तो अगेन गुड मॉर्निंग। अभी हम अगले लेक्चर के अंदर आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अभी हमने राउटिंग की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि राउटिंग होती क्या है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, रिप, PIGRP, OSPF कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो राउटिंग का मेन पर्पस क्या है, कैसे हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ते हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो पहले प्रैक्टिकल करने के लिए राउटिंग का जो सबसे पहला पार्ट मैंने चूज किया, दैट इज स्टैटिक राउटिंग। तो हम स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट राउटिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो लास्ट लेक्चर जो थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक राउटिंग इज द राउटिंग विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स विद ईच अदर। लेकिन ट्विस्ट ये था कि स्टैटिक राउटिंग में सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता है। अगर आपने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर जाना है, कनेक्टिविटी करनी है, तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो भी होगा दैट शुड बी मैनुअल। सारा कुछ उसके अंदर मैनुअल होगा। अब मैनुअल में क्या क्या चीजें आएंगी, अब सबसे पहले मैं एक सिस्को पैकेट ट्रेसर का डिजाइन ओपन करता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल डिजाइन ले लेते हैं हम, जिसके अंदर ये स्क्रीन आ गई हमारी और ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का आपका पुराने वाला डिजाइन लिया है। ये बहुत इजी वाला डिजाइन है, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बड़े डिजाइन बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन नेटवर्क लिए हैं। ठीक है, मैंने आपको वैसे क्लास के लिए चार नेटवर्क बनाने को बोला था, तो मैंने तीन नेटवर्क लिए हैं और इसके अंदर मैंने ये ऑलरेडी कोडिंग की हुई है, एनेबल शो रन। ठीक है, और अगर हाँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस चाहते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 मिनट के अंदर आपको नया नेटवर्क बना के दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मेरे पास राकेश जी नहीं थे और एक दो स्टूडेंट नहीं थे। तो थोड़ा फास्ट स्पीड कैसे करनी है, तो कंट्रोल दबा के आप राउटर को सिलेक्ट कर लो, दो दो PC लगा लो। ठीक है, कंट्रोल दबा के। ठीक है, तो ये भी मैंने रिकॉर्डिंग सेशन के अंदर डाल दिया, जबकि ये लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर हमने क्या बताया था कि सीरियल पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप फास्ट इथरनेट पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं शुरू से डिजाइन बना रहा हूँ। अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, आपकी सारी स्टडी बिगिनिंग से है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट बना दूंगा, वाई, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। तो ऐसे मैंने एक डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी कोई भी केबल सेलेक्ट नहीं की, तो मैंने इसमें ऑटोमेटिक केबल सेलेक्ट की हुई है। पहले मैंने इसलिए नहीं बताई ऑटोमेटिक केबल, क्योंकि आपने वही केबल यूज करनी थी बार बार। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 10 और 172 और 192 का नेटवर्क लिया था। इस बार मैं ए क्लास का नेटवर्क ही ले लेता हूँ हर जगह पे। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सी क्लास का ही नेटवर्क ले सकते हैं, आप चाहो तो सिर्फ ए क्लास के नेटवर्क से भी सारा डिजाइन बना सकते हो। तो मैंने ये क्या किया, एक डिजाइन बना दिया और 40000/30, 40050000/30, इससे ज्यादा इजी वाली आईपी एड्रेसिंग कोई नहीं है। तो यहाँ पे दे दिया 40001, यहाँ पे दे दिया 40002, यहाँ पे दे दिया 50001 और यहाँ पे दे दिया 50002। तो हाँ, F0/0। हाँ जी, इसके फोन से बड़े बड़े करो ना। हाँ इसको जूम ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्को पैकेट हाँ ट्रेसर के अंदर, अब ये ऐसा, हाँ ये सही। एक सेकंड देना मुझे। इसको करते हैं हम जूम आउट करके, डिजाइन थोड़ा छोटा कर देते हैं। 1 मिनट, एक सेकंड। ओके, सो F0/0 को इधर मैंने 10001 रख लिया, इधर वाले F0/0 को इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, 20001 रख लेते हैं। ठीक है जी, और इधर वाले F0/0 को 30001। अब जो आईपी मैंने
फास्ट इथरनेट को दिए हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये बन जाएंगे पीसीज के लिए गेटवे, ठीक है जी। तो अगर 10.0.0.2 लिया, 255.255.255.248, तो 10.0.0.1 इसका बन जाएगा गेटवे। 10.0.0.3 लिया, ठीक है जी, तो 10.0.0.1 इसका बन जाएगा गेटवे। इसी तरह अगले नेटवर्क में 20.0.0.2 लिया और 20.0.0.1 बन जाएगा ये। फिर भी जो लास्ट वीडियो है उसको देख लेना, क्योंकि आपको सिमेट्री बन जाएगी। ये तो मैं वैसे रिवीजन के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। 30.0.0.2 और मैंने 30.0.0.1 गेटवे ले लिया, और मैंने /29 ही लिया है तीनों नेटवर्क के लिए। 30.0.0.1 तो पीसीज का काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो राउटर का काम मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है कि CLI में जाना, ठीक है जी, तो एनेबल करना, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना, होस्ट नेम आपकी इच्छा है देना है दे देना, नहीं देना ना देना। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस सबनेट मास्क 248, और लिंक को कर देना नो शट डाउन अप एग्जिट। हो गया, पहले पोर्ट को IP दे दिया हमने। इंटरफेस सीरियल 0.0.0 को IP एड्रेस देना है 40.0.0.1 स्पेस 252, क्योंकि /30 यूज किया। एग्जिट कर दिया और डू राइट कर दिया। लो जी, मैंने सेव कर दिया डिजाइन और डू राइट किया कि ताकि सेव हो जाए कोडिंग। इस राउटर पे तीन पोर्ट को IP देना है, F0/0, Serial 000 और Serial 001। इसको भी क्या करो, नो एनेबल कॉन्फ़िग। FA0/0 को IP देना है जी 20.0.0.1। मैं तो कहता हूँ डेली आप नया डिजाइन बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, पुराने डिजाइन पे काम मत करना, मतलब कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते रहो। 40.0.0.2, 252 शट डाउन, Serial 001, 50.0.0.1, 255 डॉट 255, 255, 252 नो शट डाउन डू राइट। इस राउटर पे भी IP दे दिए। लास्ट राउटर के ऊपर दो IP हैं, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 30.0.0.1, 255, 255, 255, 248। लो जी, इतना सा काम होता है IP एड्रेसिंग करना। तो IP एड्रेसिंग तो आपकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट हो जाएगी, और सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस मत करना। ये चीज मैं बार बार अपने वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, थ्योरी के अंदर भी फोकस करना है, ठीक है जी। अकेला प्रैक्टिकल नहीं है कि हाँ आपको IP की कोडिंग करनी आ गई है तो आपने मतलब कर लिया सारा कुछ, ऐसा नहीं होगा। ये वाली ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी थी, बट मैंने सोचा कि चलो नया डिजाइन बना दो। नाउ अब गौरव का क्वेश्चन क्या था, गौरव ने कहा कि सर ये वाले जो PC हैं, अब ये यहां से भी पिंग करके चेक कर सकते हो आप, सक्सेसफुल है। आप इसके कमांड प्रॉम्प्ट में डेस्कटॉप के अंदर जाके, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ऐसे लिख भी सकते हो पिंग 10.0.0.3, तो ये आपको रिप्लाई कर देगा। मतलब 10.0.0.2 के PC पे जाके, दोबारा दिखाता हूँ, जरा क्लिक करो, डेस्कटॉप में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, तो ये पिंग कर देगा। इसी तरह अगर आप 20.0.0 वाले PC 20.0.0.2 में जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, और 20.0.0.3 को, और जो गेटवे है मेरा 20.0.0.1, पिंग 20.0.0.1, उसको पिंग करोगे हो जाएगा। मतलब ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं मैं दिखाने के लिए, मतलब सिर्फ इतना है, एक सेकंड, कि आपका जो नेटवर्क है वो अपने नेटवर्क तक लिमिटेड है। ये वाला नेटवर्क अपने तक लिमिटेड है, अगला नेटवर्क अपने नेटवर्क तक लिमिटेड है, ठीक है। 10 वाला 10 तक जाएगा, 20 वाला 20 तक जाएगा, 30 वाला 30 तक जाएगा, कहीं नहीं आगे नहीं करेंगे कनेक्टिविटी। तो इसको अब कैसे हम
वो कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि 10.0.0.1 20.0.0.1 से भी पिंग करे, फेल्ड ना हो, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी जी स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि आज का टॉपिक स्टैटिक राउटिंग है। बाकी उसके बाद डायनेमिक भी करेंगे, डिफॉल्ट भी करेंगे, जो जो आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर वो सारा करेंगे। नाउ अब कम टू द नोट पैड पे आ जाते हैं। अब इस राउटर पे जाना है, राउटिंग करनी है, तो स्टैटिक राउटिंग में तो मैंने आपको बताया कि सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता है, सारा कुछ मैनुअल करना पड़ता है। उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, सबसे पहले हमें देखने पड़ते हैं जी आपके राउटर के डायरेक्ट नेटवर्क्स कौन से हैं, आपके राउटर के इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन से हैं, नेटवर्क आईडीज, इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी मतलब डेस्टिनेशंस, क्योंकि डायरेक्ट तो वही होंगे जो मेरे साथ जुड़े होंगे, इसको आप डेस्टिनेशन में लिख लो, डेस्टिनेशन नेटवर्क। आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेटवर्क पे आपने सबनेट मास्क क्या लिए हुए हैं और किस रास्ते से होके जाता है, उसको बोलते हैं नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट होप, पहले समझो नेक्स्ट होप को क्या है। ठीक है, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस होता है कि जिस रास्ते से हमने जाना है। देखो ये मेरी अपनी होप है, ये मेरे राउटर हैं, 40.0.0.1 मेरी एक होप है, FA0/0.10.0.0.1 मेरी अपनी होप है। तो अगर मान लो ये राउटर नंबर वन है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे ये अमित जी का घर है, अमित्स होम, ठीक है, और ये यहाँ पे यूजर है अमित है, ये अमित जी के ब्रदर है। अब इन्होंने गौरव के घर पे जाना है, गौरव का घर है 20 का नेटवर्क, ठीक है जी, ये गौरव का घर है, मतलब अमित नाम का यूजर है जो 10.0.0.2, उसने गौरव के घर पे जाना है 20.0.0.2 के ऊपर, और आगे ये राकेश जी का नेटवर्क है, राकेश जी का घर है, ठीक है। अब ये तीन नेटवर्क्स हैं लैन नेटवर्क, और बीच में लगे हैं जी वैन लिंक्स, और मान लो मैं हूं यहाँ पे, मैं वैन लिंक हूँ 40 का नेटवर्क, ये राजीव का नेटवर्क है, ये इधर गुरप्रीत का नेटवर्क, ये दो वैन लिंक है, आप इनको वैन लिंक कनेक्टिविटी करने के लिए, मतलब हम क्या है बस ड्राइवर हैं दोनों, मैं और गुरप्रीत, और आपके घरों तक बस चला रहे हैं हम, है ना, ठीक है। तो अमित जी के घर से जाना है हमें गौरव के घर पे, तो पहले देखो अमित ने अगर यहां से 10.0.0.2 ने एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ऐसे, ये अमित है, अमित को थोड़ा सा इसको ऐसे ही करते हैं, अमित ने यहां से पैकेट लिया, सबसे पहले अमित कहाँ जाएगा, अपने स्विच पे, ठीक है, उसके बाद अमित ने कहाँ जाना है, अपने राउटर पे F0/0 पे, ये ध्यान देना थ्योरी है साथ साथ में, F0/0 के बाद अमित के पास बाहर जाने का रास्ता। अब ये है एक वैन नेटवर्क, मतलब अमित अमित ने यहां से बस पकड़ी अपने घर के पास, जो सीरियल 0.0.0 है, राजीव ने इसको बस में बिठाया 40.0.0.1 से। तो अमित के लिए नेक्स्ट आईपी एड्रेस, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या होगा, जो सामने वाले राउटर के सीरियल पोर्ट का आईपी होगा। अगर अमित यहां से यहां जा रहा है, तो अमित के लिए जो नेक्स्ट होप आईपी होगा दैट शुड बी 40.0.0.2, क्यों, क्योंकि 40.0.0.1 तो इसका अपना स्टेशन है, मतलब इनके घर के पास कोई ना कोई जगह तो होगी जहां से ये बस पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये बस बस की एग्जांपल छोड़ दो, बाइक पे जाते हैं ये, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं, सारा कुछ मैनुअल है, कार यूज करते हैं अपनी है, तो ये इनके घर से बाहर निकलने का रास्ता है। तो इनके लिए जो सामने वाला आईपी होगा अगले राउटर का आईपी, ठीक है, मतलब ये इनके घर का स्टेशन, ये कोई अगला स्टेशन, उसको बोलेंगे नेक्स्ट होप। तो राउटर वन के लिए जो नेक्स्ट होप बनेगी दैट शुड बी 40.0.0.2, सारे नेटवर्क पे जाने के लिए, सारा मतलब चाहे अमित ने जाना है गौरव के घर पे तो भी यहीं से जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज, अमित ने गौरव के पास जाना है तो भी 40.0.0.2 से जाना है, अमित ने राकेश जी के पास जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि अमित जी यहां से छलांग लगा के सीधा यहां पे चले जाएंगे, नहीं होगा,
राकेश के पास जाने के लिए भी रास्ता तो यही करना पड़ेगा ना, 40002। तो ये ध्यान रखना है नेक्स्ट होप का कि राउटर वन की नेक्स्ट होप क्या है। चाहे इन्होंने गुरप्रीत के वैन नेटवर्क से मिलने जाना है तो भी इनके लिए नेक्स्ट होप यही रहेगी 40002। तो ये होती है नेक्स्ट होप। क्योंकि अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज डायरेक्ट नेटवर्क आईडी एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी। तो अमित जी के लिए 10 का नेटवर्क इनका खुद का है तो ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट हो गया। 40 का नेटवर्क तो राजीव के साथ भी ये डायरेक्टली जुड़े हैं वैन लिंक। तो ये राउटर हमारा कॉमन राउटर है मेरा और अमित जी का। तो अमित कहेंगे कि 10 का नेटवर्क मेरा डायरेक्ट है और 40 का नेटवर्क मेरा डायरेक्ट है, लेकिन 20, 50 और 30 ये मेरे कौन से नेटवर्क बन गए, अमित के इनडायरेक्ट नेटवर्क जो इसके साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। तो सबसे पहले माइंड में ये क्लियर कर लो व्हाट आर डायरेक्ट नेटवर्क व्हाट आर इनडायरेक्ट नेटवर्क्स। समझ आया, इतना समझ में आ गया। चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, राजीव और गुरप्रीत की बात नहीं करेंगे, वैन लिंक है ये, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, ठीक है। तो अमित के डायरेक्ट नेटवर्क हो गए 10 और 40, तो गौरव के लिए डायरेक्ट नेटवर्क कौन से है? ये गौरव का नेट राउटर है, राउटर के बोलो, गौरव को मत सोचो। इस राउटर के डायरेक्ट नेटवर्क कौन से होंगे डायरेक्ट? सर ए वाला चालीस इसके वो 20, 50 एंड 14। फोर्टी कौन कौन से? हाँ, भी होगा, 50 भी होगा, इस तो राउटर के लिए दोनों 40, 50 और 20 तीनों ही डायरेक्ट है, तीनों क्लियर? तीनों तो गौरव के लिए डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, मतलब गौरव के राउटर के लिए, मतलब गौरव को नेटवर्क माना है हमने, तो इस राउटर के लिए 40, 20 और 50 डायरेक्ट है। तो इसी तरह राकेश जी के लिए 30 और 50 क्या है, ये करेक्ट डायरेक्ट नेटवर्क। और स्टैटिक राउटिंग जो है, अब ध्यान देना जरा, इसको मैं लिख देता हूं कि राउटर के लिए R1, अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, R1 के जो डायरेक्ट नेटवर्क हैं दैट इज 10 और 40, R2 के जो डायरेक्ट नेटवर्क हैं 20, 40 एंड 50, और R3 के जो डायरेक्ट नेटवर्क हैं वो है 30 और 50। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर, बिल्कुल R1, R2, R3 बिल्कुल के डायरेक्ट नेटवर्क कैसे निकालने हैं पता चल गया? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, R1 के डायरेक्ट 10 और 40 हो गए, तो इनडायरेक्ट कौन से होंगे? 40 20 40 और 20 कैसे हो गए? 40 तो इसका इनडायरेक्ट हो ही नहीं सकता, वो तो डायरेक्ट है R1। आर वन हाँ, के सर बीस वाला, एक तो इनडायरेक्ट, पेपर बीस वाले वाला, इनडायरेक्ट बीस वाला। सोच रहे देखो मैंने ये बोला कि R1 के 10 और 40 मेरे इन डायरेक्ट नेटवर्क है, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कौन से हो गए मेरे? ट्वेंटी ये वाला, देख, ये तो फोर्टी एक 20 हो गया, है सर, एक एक थर्टी वाला, फिफ्टी, 20 50 30। बिल्कुल समझो। अब इसको समझो, अगर मेरे पास टोटल ही, मैंने पहले बताओ डायरेक्ट यहां समझ में आ गए थे सभी को? यस अगर ये डायरेक्ट समझ में आ गए तो टोटल नेटवर्क मेरे पास कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, 50। इजी फंडा, 10 और 40 मेरे डायरेक्ट हैं, बीस तो और बच गए 20, 30 30, 50। 50 ये क्या बन गए? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। इसी तरह 10 और 30 R2 के लिए क्या बन गए? इनडायरेक्ट, जिसको आप डेस्टिनेशन बोलते हो, ये तो सोर्स ही है। और 30 और 50 हैं, 10, 20 और 40, ये क्या बन गए? इनडायरेक्ट। मतलब मेरे डायरेक्ट नेटवर्क को छोड़ के जितने भी दुनिया में नेटवर्क हैं सारे इनडायरेक्ट। अब समझ में आ गया, मेरे डायरेक्ट नेटवर्क जो मेरे साथ जुड़े हैं 10 और 40, उसको छोड़ के पूरी दुनिया के नेटवर्क। अब थोड़ा टेक्निकली मैं बताता हूँ, ले आओ, नहीं तो नहीं समझ में आया। पूरे यहाँ पे कितने नेटवर्क यूज किए हैं? 5, यस सर, 10, 20, 30, 40, 50 यूज किए हैं। अपने राउटर पे एक कमांड लगाओ, शो IP रूट।
अब शो आईपी रूट में क्या कह रहा है ये, अब शो आईपी राउटिंग टेबल में ये कह रहा है सी, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड, तो 10 और 40 मेरे क्या है, डायरेक्ट नेटवर्क, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। इसके अलावा जो बच गए 20, 50, 30 वो क्या है, इनडायरेक्ट। तो सही है, मतलब जो नेटवर्क इससे डायरेक्ट नहीं है, अलग है, वो सारे इनडायरेक्ट हाँ जी हाँ जी। अब देखो तो स्टैटिक राउटिंग में क्या करना है, ये मैंने क्यों बताया इतना डिटेल में, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग का इसके अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही है। तो स्टैटिक रूट का एक, स्टैटिक रूट का एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है, आईपी रूट इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी, उसके बाद लगाना होता है सबनेट मास्क, इसको आप फॉर्मूला समझ लो, और नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, ये सिंटेक्स है इसका। या तो इसका सिंटेक्स ये हो सकता है, या फिर जो अगला टॉपिक होगा मेरा एग्जिट इंटरफेस, मतलब दो तरीके के सिंटेक्स हैं। आज हम नेक्स्ट होप के साथ ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम उसके साथ भी करेंगे, एग्जिट इंटरफेस के साथ, EXIT इंटरफेस, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे, और पहले हम एग्जिट इंटरफेस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस वाला हमने आज करना है। अब आईपी रूट, अगर मैं R1 पे ये कमांड लगाऊं, तो मेरे R1 के कितने नेटवर्क इनडायरेक्ट है, मतलब डेस्टिनेशन कितनी बनती है, 3। 20 का नेटवर्क मेरा क्या है, इनडायरेक्ट, 30 का नेटवर्क मेरा इनडायरेक्ट, और 50 क्या है, मेरा इनडायरेक्ट नेटवर्क। तो R1 के ऊपर 3 बार ये कमांड लगेगी आईपी रूट की। एक आईपी रूट लगेगा 20 की तरफ जाने के लिए, एक आईपी रूट लगेगा मेरा 30 की तरफ जाने के लिए, एक आईपी रूट वाली कमांड लगेगी, ये समझा रहा हूं अभी, 50 तक जाने के लिए। इसी तरह R2 के इनडायरेक्ट नेटवर्क कितने हैं, 2, 10 और 30। तो R2 के ऊपर 2 कमांड लगेंगी आईपी रूट की, एक 10 की साइड पे जाने के लिए और एक आईपी रूट 30 की साइड पे जाने के लिए। इसी तरह R3, इसके ऊपर कितने इनडायरेक्ट नेटवर्क हैं, 10, 20 और 40। आईपी रूट इसके अंदर आएगा 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क और 40 का नेटवर्क, ऐसे। तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर जब हम सिंटेक्स लगाएंगे तो तीन तीन कमांड लग रही है इसमें, जितने इनडायरेक्ट नेटवर्क उतनी कमांड लग रही है। तो अगर मेरे पास 100 इनडायरेक्ट नेटवर्क होगा तो मुझे एक राउटर पे 100 कमांड लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये पहले बताओ, ये समझ में आया, कैसा यस सर, एक और लगता राउटिंग राउटर पे करके दिखा दो। यस है? हाँ, अब तो ये मैंने थ्योरी की है, अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब आ जाओ सर, प्रैक्टिकल। अब Router 1 के डायरेक्ट नेटवर्क बन गए 10 और 40, तो कॉन्फिग मोड में जाके अब इसको ध्यान से समझना, ये सारे प्रैक्टिकल मतलब सारी थ्योरी का निचोड़ करने जा रहा हूं। अब 10 और 40 मेरे डायरेक्ट हैं, अब मैं लगा रहा हूं कमांड आईपी रूट स्पेस। अमित जी ने जाना है किसके घर पे, 20 के घर, गौरव के घर पे, तो उसको लिखना पड़ेगा ये गौरव की नेटवर्क आईडी है स्पेस, ये गौरव का सबनेट मास्क है स्पेस, और गौरव के घर पे जाने के लिए भी अमित की नेक्स्ट होप आईपी क्या आएगी, 40.002। मेरे सामने वाले राउटर का आईपी जो होता है, दैट इज माई नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 40.002, अपना नहीं लिखना आईपी, सामने वाले का लिखना। इसी तरह आईपी रूट, चाहे मुझे 30 के नेटवर्क पे जाना है तो भी मेरी नेक्स्ट होप आईपी 40.002 ही रहेगी अमित जी के घर से, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्टली इस रूट को छोड़ के वो चले जाएंगे। अब ये भी ध्यान रखना, जो सबनेट मास्क मैं डाल रहा हूँ ये नेटवर्क आईडी के हिसाब से डाल रहा हूँ, 40.002। लो जी, तीनों इनडायरेक्ट नेटवर्क मैंने इसमें डाल दी। अमित जी ने चाहे 20 की साइड जाना है, चाहे 30 की साइड जाना है, चाहे 50 की साइड जाना है,
अमित को हमेशा वाया 40002 से ही होके जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नेक्स्ट होप आईपी। समझ में आया? अब क्या सर? ये तो मैंने लगाया इसके ऊपर R1, R1 का काम खत्म हो गया, इसको सेव कर देते हैं डू राइट। सही, आर 50 टू वाला हाँ जी, क्योंकि 50 वाला 252 क्यों करा सर? 50 वाले पे मैंने जो सबनेट मास्क लिया हुआ है यहाँ पे वो अच्छा बोला, लिया राइट 252 लिया हुआ है, ओके। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आर टू पे। अब आर टू के ऊपर ये आप मुझे आंसर करोगे, शो आईपी रूट कमांड लगाते हैं हम डायरेक्ट नेटवर्क देखने के लिए, 20, 40 और 50 तो मेरे डायरेक्ट हैं। अब मुझे किस नेटवर्क पे जाना है यहां से, मतलब मेरे इनडायरेक्ट कौन से हैं, एक 10 का नेटवर्क और एक 30 का, मतलब आर टू के साथ जो डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, एक 10 का नेटवर्क और एक 30 का नेटवर्क। तब तो मुझे ये बताओ, मैं कमांड लगाऊंगा आईपी रूट 10000 स्पेस 248 स्पेस, मुझे यहां से अमित के घर पे 10000 पे जाना है, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट होप आईपी, 40 वाला 1 40 के 1 40001। बिल्कुल सही है, कैसे? क्योंकि वही मान लो यहां तो से मुझे इसके पास जाना है तो मेरे सामने जो आईपी होगा हमें वो देखना है, तो मेरे सामने इधर इधर है। क्या करिए, उधर को उधर वो अपने कमरे से हाँ ये समझ फोन इधर पे आंदा वो अपने कमरे से। लो, तो उसके बाद में आईपी रूट मुझे दोबारा लेके जाना है 30000 के लिए, 255 255 255 248। अब मुझे बताओ यहां से मुझे राकेश जी के पास जाना है, मेरी नेक्स्ट होप क्या आएगी? 50002 बिल्कुल सही, 50002 सही आ गया ना, समझिए। बस हो गया इसका काम भी। तीसरे राउटर पे दोबारा पे शो आईपी रूट लगाओ 30 और 50, आईपी रूट चाहे मुझे 10 के पास जाना है तो51 भी मेरी नेक्स्ट होप 50001 ही आई, चाहे मुझे 20 के ऊपर जाना है, चाहे मुझे 40 के ऊपर जाना है, लेकिन 252। अब जब सभी राउटर पे राउटिंग हो चुकी है, अब दोबारा इसके ऊपर हमें लगाना है शो आईपी रूट। तो शो आईपी रूट में आपका राउटिंग टेबल थोड़ा बदल गया, डायरेक्ट नेटवर्क सी के साथ आ रहे हैं और बाकी चीज आ रही है स्टैटिक राउटिंग एस के साथ, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। अब जो गौरव ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अब मुझे यहां से यहां पिंग करना है, अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे रहा हूं। राउटिंग टेबल आप देख रहे हो, यहां पे एक वैल्यू लिखी हुई है 1, इस वैल्यू को बोलते हैं, एक सेकेंड, इस वैल्यू को बोलते हैं एडी वैल्यू। सबसे पहले तो आपने आंसर करना है इस वीडियो के एंड में, व्हाट इज एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और स्टैटिक की एडी वैल्यू, चलो ये मैं बता देता हूं, स्टैटिक की एडी वैल्यू जो होती है दैट इज 1, स्टैटिक की एडी वैल्यू 1 होती है। तो थ्योरी में आपसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट इज एडी वैल्यू, एडी वैल्यू स्टैटिक रूट की क्या होती है, तो आपने बोलना है 1। आपने मुझे बताना है कनेक्टेड की एडी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट करना व्हाट्सएप पे, पर्सनल मैसेज मत भेजना, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करना वीडियो के नीचे। कनेक्टेड रूट की एडी वैल्यू क्या है, स्टैटिक की एडी वैल्यू क्या है, और एक होमवर्क वैसे दे दिया, रिप EIGRPOSPF, ये नेट से ढूंढ के बताना एडी वैल्यू इनकी अलग अलग होगी, ये क्या है, ये तो आपने बताया ना सर, ठीक है, ये बताना है। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना एडी वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट, ये अभी पढ़ाना है मुझे, तो अगर टाइम हुआ तो ये पढ़ना थोड़ा सा खुद से भी, ठीक है। अब स्टैटिक ने ये रूट डाल दिया, अब ये बताएगा वाया 40002। और एक और चीज बताता हूं, अब मैं पिंग करने जा रहा हूं, ध्यान देना जरा, मैंने यहां से अमित के पीसी से गौरव को पिंग किया, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये पहला पैकेट है यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। एक सेकंड, ये क्यों हो गया बाद में बताता हूँ, वैसे होना नहीं चाहिए। मान लो यहां से आपने यहां पिंग किया, ये देखो पहला पैकेट फेल हो गया। ये ऑलरेडी पास इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले एक बार पिंग हो चुका था। तो जब भी हम पहली बार पिंग करते हैं किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी कंप्यूटर को, ये देखो फेल हो गया। पहली बार ये फेल हो रहा है, दूसरी बार ये पास हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब ये पिंग हो जाएगा, रिप एजीआरपीओ एसपीएफ को छोड़ दो, व्हाई फर्स्ट टाइम पैकेट फेल्ड इन दिस टोपोलॉजी? सर आंसर अभी बता सकते हैं था, नहीं कमेंट नहीं में बताना नहीं है। नहीं नहीं कमेंट में बताना, और सभी को नहीं बताना, ये सभी अपना पढ़ेंगे। आपको पता है आंसर, मुझे पता है, सभी को आंसर इसका नहीं पता है। राउटिंग करने के बाद इस पीसी, जब भी पहली बार हम पिंग करते हैं तो मेरा पैकेट फेल क्यों हुआ? वैसे आपकी टोपोलॉजी सक्सेसफुल हो चुकी है, ये देखो अब आपका पिंग करो, पहली बार पैकेट फेल हो रहा था, उसके बाद में पैकेट सक्सेसफुल होने शुरू हो गए। चाहे आप ऐसे देख लो, चाहे आप इसको सिमुलेशन में देख लो, ठीक है? सिमुलेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, अमित ने गौरव को पिंग किया और ये स्विच पे गया। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में ये अगले राउटर पे गया, अगले राउटर से स्विच पे आया, स्विच के बाद पीसी पे गया और वापस चला गया, और ये सक्सेसफुल हो गया। तो अब मेरा यहाँ पे मेन क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि स्टैटिक राउटिंग हो चुकी है, अब आपका पूरा नेटवर्क वैन बन चुका है, इट्स ए वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क बन चुका है, लेकिन एक तो एडी वैल्यू क्या होती है ये पढ़ना, व्हाट इज एडी वैल्यू, और पहला पैकेट राउटिंग करने के बाद फेल क्यों हुआ? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है जी? तभी पढ़ोगे, नहीं तो ये डिजाइन बनाओगे और कहोगे हाँ जी सर पिंग हो गया, खत्म। तो दो क्वेश्चन है आपके लिए, एडी वैल्यू क्या होती है और इस टोपोलॉजी में, कोई भी राउटिंग टोपोलॉजी में, पहला पैकेट क्यों फेल हुआ? दैट्स इट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो, यही दो क्वेश्चन का आंसर मत पूछना, ठीक है? ठीक है क्लियर? सर, ओके, तो ओके सर, ये क्लास अच्छी रही। अब नेक्स्ट सेशन में आपको मैसेज के अंदर बताऊंगा। अब हम संडे भी दो क्लास करेंगे, मंडे भी दो क्लास करेंगे, वीकडे के अंदर कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन आंसर राउंड और एग्जिट इंटरफेस डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आंसर्स करें इस वीडियो के ऊपर और मुझे बताएं। थैंक यू।